Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. अब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. समझ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जो एंटरप्रेन्योर करता है वो, जैसे मैनेजमेंट क्या होता है, एक मैनेजर करता है वो, तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को कैसे ख्याल रखना चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स है इनोवेशन. अगेन देखो, जो एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डोंट यू थिंक सो, अप्रोक्सीमेटली वही के वही सारे एंटरप्रेन्योरशिप में भी आएंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वही करने वाला है जो एंटरप्रेन्योरशिप में होना चाहिए. समझ रहा है? सो इनोवेशन, वो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था और इसमें भी देखेंगे, क्योंकि वो बंदा वही करने वाला है जो एंटरप्रेन्योरशिप में होना चाहिए. सो इनोवेटिव होना चाहिए वो बंदा. कैसा होना चाहिए? इनोवेटिव होना चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी क्रिएटिव. समझ रहे हैं? जो लोगों को भी पसंद आए, कस्टमर के लाइक्स में भी आए, जो डिसलाइक्स है वो आपके प्रोडक्ट में ना दिखे, तब जाके वो आपके प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करेंगे, बाय करेंगे. अगेन कॉमन पॉइंट जो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था, क्रिएटिव एक्टिविटी. क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ नया. जितना नया आपके प्रोडक्ट में दिखेगा, उतना ही कस्टमर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे. कुछ तो नया ट्राई होना चाहिए. यस, बेयरिंग रिस्क, बिजनेस का दूसरा नाम है एंटरप्रेन्योरशिप. तो एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा, और जितना रिस्क ज्यादा लेगा उतना ही रिवॉर्ड उसको ज्यादा मिलेगा. रिस्क डज नॉट मीन गलत डिसीजन लेना. रिस्क मीन कुछ नया डिसीजन लेना जो आज तक आप वो फैमिलियरिटी में थे ही नहीं. कुछ नया बिजनेस सेगमेंट खोलना, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट खोलना जो आज तक आपको पता ही नहीं हो कस्टमर के लाइक्स में आएगा या डिसलाइक्स में आएगा. इट इज जस्ट योर नोशन, इट इज जस्ट योर फ्यूचर फोरकास्ट कि आपको इससे फायदा होने वाला है. दैट इज कॉल्ड एज रिस्क. तो एक, अगर समझो कभी सेलफोन के बारे में कोई सोचता ही नहीं, तो आज सेलफोन होते ही नहीं. कोई अगर कुछ टेक्नोलॉजी, वीडियो लेक्चर्स के बारे में सोचता ही नहीं, तो आप घर पे बैठ के आज वीडियो लेक्चर्स देख ही नहीं सकते. तो हर एक टेक्नोलॉजी का, हर एक चीज़ों का कुछ ना कुछ इंसेप्शन है, स्टार्ट पॉइंट है. किसी ने तो नया सोचा है, तब जाके आप तक ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं. सो ये कोई ना कोई तो बिजनेसमैन ने पहली बार सोचा होगा. ये समझो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब पहली बार जब इनोवेट हुआ होगा, डोंट यू थिंक सो, कुछ ना कुछ रिस्क लिया होगा वो बंदे ने जिसने ढूंढा है, क्योंकि कुछ नया है. समझ रहे? प्रॉमिसिंग नहीं है कि वो चलने ही वाला है, नहीं भी चलने वाला है. कुछ कुछ बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट इनोवेटिव कुछ डिजाइन करके फ्लॉप भी होते हैं, और कुछ कुछ बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो जाते हैं. तो इट इज ऑल अबाउट फ्यूचर फोरकास्टिंग एंड रिस्क बेयरिंग. तो एक, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको रिस्क तो लेने ही है, पड़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग. जितना आप अच्छे से काम करोगे, जितना बींग ऑन टॉप आप अच्छे से मेंटल लेबर प्रोवाइड कर पाओगे, जितना अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाओगे, उतना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग बढ़ते जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग डज नॉट मीन वो 10 फ्लोर 20 फ्लोर वाला बिल्डिंग, इट मीन्स कॉर्पोरेट इमेज बढ़ाते जाओगे, उतना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज्यादा पब्लिक तक पहुंचेगा और उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा. देखो, अगर बिजनेस सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि वो बिजनेसमैन ने अच्छे से चलाया है, बिजनेसमैन ने अच्छे से मैनेज किया है, बिजनेसमैन ने अपना इनोवेशन, अपना हार्डवर्क डाला है, तब जाके वो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाया है. और जब भी बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है, अपना बिजनेसमैन का भी नाम बड़ा कर चुका है. समझ रहा है? अगर हम रिलायंस का नाम लेंगे तो अंबानी दिमाग में आने ही वाला है. टाटा का नाम लेंगे तो रतन टाटा, जमशेद जी टाटा का नाम आने ही वाला है. समझ रहा है? सो ये क्या है? इट इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योर्स. दे आर नथिंग बट एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ क्रिएटिविटी के साथ, जो बड़े हार्डवर्क के साथ, बड़े विजन के साथ बाहर आए और बिजनेस को अपना डेवलप कर दिया. That is nothing but organization building. आपको अगर organization building करना है, corporate image बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? Successful entrepreneur बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको entrepreneurship के characteristics पता होने चाहिए. Skillful management. देखो, manage तो हर लोग करते हैं. अगर समझो कुछ आपको exam देना है, तो आप time table बना रहे हो, exam दे रहे हो. देखो, कुछ लोग pass हो रहे हैं, कुछ लोग fail हो रहे हैं. कुछ लोग 95% लेके आ रहे हैं, कुछ लोग 98% लेके आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग 40-50% में चालू है. समझ रहे हैं? इट इज ऑल अबाउट स्किलफुल मैनेजमेंट. जो स्किलफुली अपने आप को मैनेज कर रहा है, जो स्किलफुली अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है, दे आर दी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. और जो नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स.
समझ रहा है। सो मैनेजमेंट तो सब करने वाले हैं अपने खुद। देखो मैनेजमेंट क्या है, लाइफ चालू हुआ तब से लेके एंड तक आप जो भी करते हो दैट इज नथिंग बट मैनेजमेंट। आज 6 घंटा सोने का है, 7 घंटा सोने का, कल उठ के मुझे काम पे जाना है, दैट इज नथिंग बट मैनेजमेंट। आप शेड्यूल बना रहे हो हर एक चीज का, दैट इज नथिंग बट मैनेजमेंट। बट हर लोग इसको सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे, सब लोग इसको सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे। दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स परफेक्ट नॉलेज ऑफ व्हाट टू बी डन। समझ रहा है? स्किल्स ऑफ मैनेजिंग एंड लीडरशिप। देखो देयर इज अ स्मॉल थिन लाइन ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर। देखो है तो बहुत ही कम डिफरेंस, दोनों आपके सुपीरियर ही है। सुपीरियर होता है उसको ही बॉस बोलते हैं, सुपीरियर होता है उसको ही लीडर बोलते हैं। बट ऐसे देखने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा डीप है। बॉस इज ऑलवेज राइट ही हम बोलते हैं, जबकि लीडर को आप उनका क्रिटिसिज्म भी बोलोगे दिल एक्सेप्ट इट विद ग्रेस। समझ रहे? बॉस क्या करेगा, जब भी कुछ पॉजिटिव आ गया वो खुद आगे आ जाएगा और अपने एम्प्लॉय को पीछे छोड़ देगा, बोलेगा अरे यार ये मैंने सजेस्ट किया था। जबकि लीडर क्या करेगा, जब कुछ पॉजिटिव आ रहा है वो अपने एम्प्लॉय को आगे कर देगा, बोलेगा यार इसने सोचा था, इनके बिना मैं अधूरा हूं। समझ रहे? बॉस क्या करेगा, कोई टेंशन वाली सिचुएशन में कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है तो अपने एम्प्लॉय को आगे करेगा, यार इसने बराबर से काम नहीं किया। समझ रहे? जबकि लीडर कभी भी प्रॉब्लम आ जाएगा तो खुद आगे आ जाएगा और बोलेगा यार शायद मेरे समझाने में कुछ गलती हुआ रहेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड बॉस। तो यू शुड बी अ परफेक्ट लीडर एंड नॉट बॉस। समझ रहे? आपका रिस्पेक्ट आउट ऑफ फियर नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ योर वर्क होना चाहिए। और जब भी ये हो रहा है यू आर परफेक्ट लीडर। तो आपको बीइंग अ परफेक्ट एंटरप्रेन्योर यू शुड बी अ परफेक्ट लीडर। यू शुड मोटिवेट योर एम्प्लॉय टू स्ट्राइव फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यू शुड मोटिवेट योर एम्प्लॉय बाय मॉनिटरिंग और नॉन मॉनिटरिंग फैक्टर्स। उनको ज्यादा सैलरी बढ़ाओ, उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टैग दो, अवार्ड दो, ये सबसे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको लोगों को संभालना है और खुद को लीडर बनना है। गैप फिलिंग फंक्शन। जो आपने फोरकास्ट किया था और जो आपके साथ एक्चुअली हो रहा है, अगर इसमें डिफरेंस है तो उसको, अगर समझो लॉस मेकिंग डिफरेंस है तो उसको कैसे कम से कम किया पाए, उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, ये एक मैनेजर को पता होना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। और ये अगर पता है तो ही कैन बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है अपने पैसे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। समझ रहा है? जैसे जॉब वालों को एम्प्लॉय बोला जाता है और उनको सैलरी मिलता है, वैसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता है और उसको प्रॉफिट मिलता है। तो आप जब भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आप अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपको हमेशा मोटिवेट होना चाहिए आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दैट इज योर प्रॉफिट मार्जिन। जितना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा उतना ही बिजनेसमैन का नाम ज्यादा, वो उसको काम करने के लिए उतना ही ज्यादा उसको मजा आएगा। जितना आप आगे आगे प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हो, डोंट यू थिंक सो, बिजनेसमैन उतना ही ज्यादा मोटिवेट होते जाएगा कि यार चल और अच्छे से हार्डवर्क डाल और अपना नाम आगे कर कंपनी का। समझ रहे? और देखो टॉप लीडर्स भी बोल दो बिजनेसमैन में जो जो फॉर्ब्स 500 में आते हैं, डोंट यू थिंक सो, फर्स्ट वाले का पोजीशन भी खतरे में होता है क्योंकि सेकंड वाला जस्ट नीचे बैठा है। समझ रहे? थोड़ा भी आप डिले हो गए तो आगे आके फर्स्ट पोजीशन पकड़ लेगा कंपनी का। समझ रहे? तो आपको एक तो फर्स्ट लेवल पे जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर फर्स्ट लेवल पे चले गए तो पोजीशन रखना और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप और उसको हमेशा खुद का मोटिवेशन मानना चाहिए। Yes, thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.